हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 हनीड्यू। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, अभी सेकंड पार्ट करेंगे। और मैंने आपको बोला ही था कि पार्ट 1 के कीवर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टू पार्ट 2। डियरेस्ट कोनी, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जिम और नरेटर दो कैरेक्टर दिखे थे और जिम मिसेस जिम दिखे थे, लेकिन उसकी वाइफ का नाम नहीं पता था। तो उसकी वाइफ का नाम क्या है? जिम अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे थे, वो डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन डेट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस। वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज जो लेटर लिख रहा हूँ वो बहुत अच्छे मूड में लिख रहा हूँ, और बहुत अच्छा मूड है और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है मुझे लिखने में, बहुत खुश हूँ। आई मस्ट टेल, मैं तुम्हें बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंच यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग इट वॉज क्रिप्स एंड वील्ड ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन एज एंड फ्रोस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। वो क्या कह रहे हैं, जो अपनी वाइफ कोनी को जो लेटर लिख रहे थे वो ट्रेंच, मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया है ये देखो, लॉन्ग डीप रिचिस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जहाँ पे सोल्जर्स लोग रहते हैं ना, वहाँ पे वो पूरी दीवार से जॉइंट होता है, जहाँ पे वो लोग छुपे होते हैं, किसको कहाँ खड़ा रहना है, कैसे करना है, उस चीज़ को ट्रेंच कहते हैं। और क्रिसमस मॉर्निंग के दिन वो इट वॉज क्रिप्स एंड ऑल अबाउट ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कैसी थी, बहुत अच्छी मॉर्निंग थी वो, कौन सी क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डेट वी बिगन इट। वो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, एट द ट्रूथ, जो भी कह रहा हूँ सच है। आई शेम टू से, मुझे शर्म आ रही है कहती है, लेकिन बट कह रहा हूँ, इट डेट फ्रीज अ बिगन इट फर्स्ट समवन शो वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच अपोजिट। वो क्या कह रहे हैं कि जो सामने की साइड से कोई फ्लैग ऐसे लहरा रहा है और कुछ कह रहा है, देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस टू मैंस लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस। वो क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस सामने से फ्लैग लहरा के वो कह रहे थे, वेविंग मतलब वो लहराना होता है। और टॉमी किसके लिए यूज हुआ है, अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज हियर टू रिफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए टॉमी हो रहा है, और जर्मन सोल्जर्स के लिए क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। जैसे हमने आगे देखा ना, उन लोगों ने स्टार्ट किया था ये फ्रीज, जो जर्मन सोल्जर के लिए यूज हुआ, टॉमी कॉमन है, जो कौन किसके लिए यूज होता है, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ओके, वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, क्या वो लोग चौंक गए, सम ऑफ द शाउटेड बैक, कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, सेम टू यू फ्रीज, मैंने आपको बताया फ्रीज किसके लिए यूज हुआ है, जर्मन सोल्जर्स के लिए, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी डैट वी ऑल डिड, बट दिस सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर हिज ग्रे कोट एंड वेविंग व्हाइट फ्लैग। क्या पहना था उन लोगों का यूनिफॉर्म, क्या था, ग्रे कलर का कोट था, ग्रे कलर ग्रे था और ग्रेट कोट मतलब वो पूरा हुआ ढंका हुआ था वैसा, और व्हाइट फ्लैग, डोंट शाउट लेट्स, क्या कह रहा है, डोंट शूट ऐसा कह रहा है वो, समवन शाउटेड, कोई चिल्ला रहा है, एंड वन डिड, देन देयर वॉज अनदर फ्रीज अप ऑन द शाउटेड एंड देन देयर वॉज अनदर फ्रीज ऑन द एंड अनदर, कीप योर हैंड्स डाउन आई टोल्ड द इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ लड़ने के लिए, इसके लिए नहीं कह रहे थे, वो लोग हैप्पी क्रिसमस फीस करने के लिए बोल रहे थे उन लोगों को। ओके, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज, इट इज अ क्रिसमस डे, क्या था, क्रिसमस डे, टॉमी को कह रहे थे, वी हैव स्नैप्स एंड सोर्सेस, ये क्या है, ड्रिंक है उसका नाम है, और ये खाने की चीज के लिए यूज हुआ है। वी मीट यू, क्या कह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, यस बाय दिस टाइम देयर
By this time there are dozen of the walking towards the cross. No man's and not a rifle between them. वो लोग चल के जा रहे थे और ना कि अपनी गन और कुछ भी लिए बिना जा रहे थे. लिटल प्राइवेट मोरिस द फर्स्ट अप, क्या वो सबसे पहले थे. कम ऑन बॉयज, चलो. वॉट आर वी वेटिंग. एंड देन देर वॉज नो स्टॉप डैम, क्या कह रहे थे वो, चल रुकना नहीं, वो लोग हमारा वेट करे. सो नो स्टॉप डैम. आई वॉज जस्ट, आई शुड हैव स्टॉप देम देर एंड देन आई पर I but the truth is that it never even occurred that I should. All along their line and hours I could see walking slowly towards another. Grey coats meets in the middle and I was one of the making peace. क्या कह रहे थे वो लोग, किस लिए बुला रहे थे, कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बुला रहे थे वो लोग, विदाउट राइफल उसके बिना चल के जा रहे थे उनके पास. You cannot imagine, तू सोच नहीं सकती dearest Connie, my feeling as into the eyes of the freeze officer. इसकी feeling कहाँ दिख रही थी, देखो वो कह रहा है. Who approach hand outstretched and hands wolf, he said hands wolf भी कह रहे थे, gripping hand warmly and holding I am frog dustle drops and the cell in the orchestra happy Christmas orchestra. कैप्टन जिम, देखो हमने बोला कैप्टन जिम कौन है, कोनी के हस्बैंड. ओके आई रिप्लाइड एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू, क्या उन्होंने वापस रिप्लाई में जवाब दिया कि हैप्पी क्रिसमस टू यू. आई एम स्कूल टीचर्स फ्रॉम टोल्सन इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और वो स्कूल टीचर थे बराबर है इंग्लैंड में. ओ डोसेट ही स्माइल, क्या कि उसने स्माइल दी. आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ वो जगह. आई नो वेरी वेल, वो बहुत अच्छी है. वी शेयर माई रन रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सोर्सेस, क्या अच्छा था. मैंने बोला आपको किसके लिए यूज हुआ है, खाने के लिए. एंड वी टॉक कॉनी हाउ वी टॉक, ही स्पोकन ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो क्या बोल रहे थे, हमेशा एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे. बट इट टर्न आउट डेट ही हैड नेवर सेट फूट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश. देखो वो इंग्लिश में इंग्लैंड में पढ़े थे और ऑल बुक के सिर्फ आपको पता ही क्या, फॉरनर में तो इंग्लिश ही चलता है. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. सो आउट देर इन नो मैंस लैंड वी टॉक टू बैट, ये बैट से एंड गैब्रिक ऑक, ऑक हमें पता है वो क्या है, ट्री का नाम है बैट. एंड एंड सरगेट सर्जेंट ट्रॉय एंड टोरसेट, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, क्या थे उसकी एक वाइफ और एक लड़का था. बॉर्न जस्ट 6 मंथ अगो, उसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ था. एज आई लुक अबाउट मी देयर वेयर हैंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग हैंस वॉल्फ एंड सेयर व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस. कॉनी मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा ये क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था. ही टॉट ही मर्जी पन, इसका मतलब दिया स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर एग एंड आलमंड, ये केक का नाम है जो किससे बनी है, शुगर से एग से आलमंड मतलब बादाम से कवर की है. ओके ओके I agree, we agreed about everything. He was my enemy. मैं भी मानता और वो भी मानते कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन है. But there never was Christmas party like it, कोनी. लेकिन इसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग एक दूसरे के एनिमी हैं. ओके देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल.
पता नहीं कौन एक था जो एक फुटबॉल लेके भी आया था, ग्रेट कोट वेयर डम इन द पाइल टू मेक गोल पोस्ट, उन लोगों ने अपना कोट निकाल दिया था उससे वो लोग उसके बाद गोल पोस्ट करने वाले थे। लेकिन हमें पता है कि वहाँ का एटमोसफियर बहुत ठंडा था क्योंकि दिसंबर की टाइमिंग थी और वहाँ पे बहुत बर्फ जमा था। तो आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड एंड हैंड्स वॉल्फ एंड आई लुक ऑन द चीयर क्लैपिंग अवर हैंड एंड स्टैम्पिंग अवर फिट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग। देयर वॉज मोमेंट वेन आई नोटिस ऑन ब्रिट स्माइलिंग इन द एयर बिटवीन अस। हमें पता ही है कि जहाँ पे ठंडी का मौसम होता था हमारे मुँह में से जो निकलता है धुआं जैसे वाइट वाइट उसमें से भी निकल रहा था, सामने वाले में से निकल रहा था, वो माइट हो रहा था, मिक्स माइनिंग हो रहा था, दोनों का मिक्स हो रहा था, वो दिख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। जिम मैक्सन्स ही सेड आफ्टर आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर आई फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच नो वन डाइट्स इन द फुटबॉल मैच। इस फुटबॉल मैच में कोई भी मरने वाला नहीं है और किसी की डेथ भी नहीं होगी ऐसे। नो चाइल्ड नो चिल्ड्रंस ऑर्फन्स एंड नो वाइव्स बिकम विडोज। नहीं चिल्ड्रन पेरेंट्स फादर के बिना होने वाला है कि नहीं कोई वाइफ विधवा होने वाली है एक फुटबॉल मैच खेलने से। आई हैड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वो कह रहा था कि हमें पता ही है कि एकदम श्योरली है कि टॉमीज ही जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टूगेदर वी वॉच द गेम। वो लोग खेलने लगे लास्ट तक और देखा और सेट टू कॉनी फ्रीज वॉन टू गोल टू वन बट एज हैंस वॉल्फ जीनियसली सेड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। The time came and all too soon when the game was finished the snaps and the rum and the sauces had long since run out. हमें पता ही था कि ड्रिंक और वो नाश्ता जो था वो खत्म हो गया था एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। आई विश हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून डेट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। फुटबॉल मैच खेल लिया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। आफ्टर वो लोग कहाँ चले गए, कुड ऑल गो होम अपने अपने घर पे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट ऑन बॉथ साइड्स। हैंड्स वॉल्व से ही टेक केयर जिम हैंड्स वॉल्व कहने लगे कि टेक केयर अपने आपको संभालना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। में कभी भी ये पल भूल नहीं सकते। नॉर यू ही सल्यूट एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मी ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंच। वापस उन लोगों ने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया और उन सब में पता ही नहीं चल रहा था। डेट नाइट बैक इन अवर डग आउट हमें पता है कि सेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगनिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग। मतलब कि जमीन के अंदर वो लोग खड्डा खोदते हैं ना, उसको डगनट बोलते हैं। वी हियर देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इज क्वाइटली ब्यूटीफुली। वो लोग उन लोगों को वहां पे पता नहीं कैसे क्रिसमस के दिन हम लोग चर्च में तो गए होंगे, चर्च देखा होगा, उसके अंदर पता है क्रिसमस में कैसे वो लोग सॉन्ग गाते हैं। वो कैरोल सॉन्ग गा रहे थे और बहुत क्वाइटली और ब्यूटीफुल वो सुन रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच अ साइलेंट नाइट अवर बॉयज गिव देम अ रजिंग एन कोर्स अवर वाइल्ड सेपर्ड्स वॉच। वी एक्सचेंज करल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल अ टाइम आई विल टीश योर एज अ लॉन्ग एज आई लिव। डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर This war will be nothing but a dissonant and terrible memory. ये ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाला कैसे कुछ नहीं था, फिर भी वो बहुत यादगार है। आई नो फ्रॉम ऑल द हैप्पीनेस टूडे हाउ मच मॉथ एंड आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टूगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट। ओके, हमें पता चल गया उसने जो लेटर लिखा था अपनी वाइफ को उसके अंदर क्या लिखा था, क्या बता रहा था जिम। अभी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।